नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थीम या लुक को कैसे चेंज किया जा सकता है, आज हम वो चेक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कैसा दिखाई देता है। तो ये मेरा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, मैंने ओपन कर लिया। और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में सी ये जो आइकन है कुछ क्लासिक टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले व्यू, व्यू पर टूल बार, और टूल बार में आप इसको लार्ज या स्मॉल में चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं लार्ज में चेंज करता हूँ तो ये आइकन बड़े हो जाते हैं यानी, और स्मॉल आइकन, ठीक है। इसके अलावा जब आप टूल बार में देखते हैं कि क्लासिक, बटन और 3D, तो क्लासिक ऑलरेडी है और 3D हम चेक करेंगे, 3D कुछ इस तरीके के। लेकिन इनके अलावा भी कुछ डिज़ाइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और डिज़ाइंस के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू पर क्लिक करना है, व्यू के बाद टूल बार, टूल बार से आपको लुक फॉर न्यू टूल बार पर क्लिक करना है। आपने इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद IDM की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट आ चुके हैं, ये सब डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप किसी भी डिज़ाइन को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो अब जैसे कि इतने सारे डिज़ाइन हैं, इसमें से किसी एक डिज़ाइन को डाउनलोड करके हम यूज़ करेंगे। जैसे मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिक और सोबर डिज़ाइन है, तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा डाउनलोड जिप पर क्लिक करके। डाउनलोड जिप पर मैंने क्लिक किया और ये स्टार्ट डाउनलोड डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ओपन फोल्डर, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ फोल्डर। तो जैसे ही मेरे पास ये आ गया विंडोज़ 10 जिप, ठीक है, इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आपको दोस्तों इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने विंडोज़ 10 के अंदर, ठीक है। तो सेम फोल्डर में एक ये सारे डिज़ाइन आ चुके हैं। तो आप देखेंगे एक BMP फाइल है यहाँ पे और एक TBI फाइल है, आपको ये दोनों फाइल कॉपी कर लेनी है। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं इन दोनों फाइलों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये दोनों फाइल्स आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, अगर आपके पास 32-bit सिस्टम है तो प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, 64-bit सिस्टम है तो प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाना है। अब मेरे पास 64-bit सिस्टम है तो मैं प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाता हूँ। इसके अंदर मुझे सर्च करना है IDM यानी इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यहाँ है, यहाँ आपको एक फोल्डर दिखता है टूल बार, टूल बार के अंदर जाइए और यहाँ ऑलरेडी जो डिज़ाइन हमें दिखाई देते हैं वो डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है। जो डिज़ाइन हमने कॉपी किया था, जो फाइल्स हमने कॉपी की थी, उन फाइल्स को राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये आपसे एडमिन राइट्स मांगेगा, तो अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप खुद का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने ये दोनों फाइल यहाँ पेस्ट कर दी हैं, पेस्ट कर दी हैं। अब हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर चेक करने वाले हैं हम लोग, इसे क्लोज़ कर देते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में यहाँ अभी हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, टूल बार और यहाँ सिंपली वही आ रहा है। लेकिन हम इसे यहाँ से क्लोज़ करेंगे, इस फोल्डर को क्लोज़ कर देंगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि यहाँ जाकर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को कम्प्लीटली स्टॉप करना है यानी कि एग्ज़िट करना है। तो हम इसे एग्ज़िट कर देते हैं, एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट होने के बाद मैं दोबारा से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर चेक करूँगा। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मैं यहाँ ओपन करता हूँ दोबारा। तो जैसे ही इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ओपन हो जाता है दोबारा से हम वही चीज़ चेक करेंगे, व्यू, टूल बार, और इस बार देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया विंडोज़ 10। तो हम अगर विंडोज़ 10 पे चेक करेंगे, विंडोज़ 10 ये डिज़ाइन चेंज हो गया है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का डिज़ाइन या थीम चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।